सब प्रेमियों ने काफी दिन हो गए हैं सत्संग सुन रहे हैं। मैं हर सत्संग के अंदर थानू बाबा जैमल सिंह की कमाई बारे काफी कुछ दसिया, स्वामी जी महाराज की कमाई बारे काफी कुछ दसिया कि किस तरह उन्होंने कमाई की। महाराज सावन सिंह बारे थानू दसिया क्योंकि महाराज सावन के चरणों में बैठने का मैनू वध तो वध मौका मिलिया। उन्होंने खुद भजन व्यास किया, हर एक नू भजन व्यास की तरफ उन्होंने प्रेरिया। एक दफा कुछ सेवादार सन जिन्होंने यह किया कि महाराज जी बगैर भजन कीत्या पार कर दो। महाराज बिजली की तरह कड़के कहन लगे गलत गल है, थोड़ा काम तुसी करना है, चाहे इस जन्म करो चाहे दूसरे करो, जिथों छोगे उथों तो करना पेगा। मस्ताना बलोचिस्तानी सिकंदरपुर महाराज सावन के दर्शनों गया, उन्होंने लड़के ने उन्होंने कोई सेवा वास्ते बिचंद सिंह ने कहा कि सेवा करो। तो कहने लगे पहले दर्शन कर लिए, दर्शन की खातर बलोचिस्तान छड़ के आए हैं। बचिंद सिंह ने जाके शिकायत की थी, अथे जी ना तो यह आप सेवा पर जाता है ना यह कर्म दिता है, या यह भजन करते हैं। महाराज कहने लगे मैं तो कहना तू भी ना कर, क्योंकि मेरा मिशन तो भजन व्यास करना है। किस तरह उन्होंने भजन व्यास किया, रात जागे मेहनत कीतिया, इस तरह मैं बाबा सोमनाथ के मुतालिक दसिया सी। जब मैं बाबा विष्णु दास महाराज सावन सिंह के पास लेके गया सी, क्योंकि बाबा विष्णु दास काफी बुजुर्ग हो चुके सन, बाबा विष्णु दास खूह का डड्डू नहीं सी, वो खुल दिला महात्मा सी, हालांकि ब्रह्म के अंदर पहुंचा हुआ सी, पर मैनू यह दसिया उन्होंने कि बेटा रस्ता उपर है, तलाश जारी रखो। जब सावन सिंह महाराज की दस पई मैं बाबा विष्णु दास को आया, उन्होंने कहा कि देख हूं तेरा टाइम नहीं, मैं तेनों उपरले मंडलों चो ही उपर लै जाऊंगा, यह मेरा वायदा है। जब मेरे मुतालिक बाबा विष्णु दास ने दसिया कि इन्होंने किस तरह धूनिया तपाइया, किस तरह इन्होंने मेहनत की, उन्होंने बाबा सोमनाथ नूं सद्या कि साढ़े इस सेवक ने भी काफी इस तरह के जप तप धूनिया वगैरह तपाइया हैं। इस तरह मैं दसिया से कि महाराज कृपाल ने किस तरह रावी के अंदर पानी के अंदर बढ़ के अभ्यास किया कि वह मंजे चारपाई से पै नहीं सकते सन। मैं तुहानू दसिया सीगा कि किस तरह 18 साल मैं दो शब्द का अभ्यास जो बाबा विष्णु दास को मिलिया सीगा जमीन के अंदर बैठ के किया सीगा। और काफी जिंदगी का हिस्सा जमीन अंदर लाया। मेरा जाति तजर्बा है कि संत मत के जो पहले अभ्यास है ये कठिन हैं, जब रास्ता चल पैंदा है फिर उतने कठिन नहीं होंगे, गे फिर आसान हो जाते हैं। मैं तुहानू दस्या सी कि बगैर कमाई अज तक कदे किसी दुनियादारी च भी कुछ नहीं मिलिया और रूहानियत च भी कुछ नहीं मिलता गा। जो लोग ना काम छड्डण नूं तैयार है, ना क्रोध छड्डण नूं तैयार है, ना लोभ ना मोह ना अहंकार, पंजे डाकुआं दे शिकार है और वह परमात्मा नूं भी अंदर मिलना चाहते हैं, वह कामयाब नहीं होणगे, क्योंकि यह तां असीं इक किस्म दा उस परमात्मा दे नाल मखौल कर रहे हैं, हासा मजाक कर रहे हैं। परम पिता कृपाल ने डायरी रखने वास्ते सानू दसिया, मैं सत्संग च खोल के दसिया सीगा कि उन्हां दा मकसद यह नहीं सी कि शाम नूं डायरी भर लो तो कल नूं जो अज वरियाई कीती है फिर उन्हें दर्ज कर लो, नहीं। जब असीं एक बारी गलती कर लीजिए, जिंदगी दी एक गलती काफी हुंदी है, दूसरी दफा गलती नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि एक जिंदगी की गलती हुई होगी सारे जीवन में पलट के रख दी है। ये नहीं स्वामी जी महाराज ने कहा सी आगे पाशे बहुत पछताऊ समा पड़े पर हो चोरा। मैं अच्छी तरह खोल के दसिया सीगा कि असी गल्ला नाल गली कने ना पाया मता किसी के दिल च ख्याल हो कि मैं गल्ला दे नाल पा लूंगा। मैं ये भी दसिया सी कि मैनू तकरीबन 40-50 साल दे नाम लेवा मिले है लेकिन सवाए गल्लां तो पल्ले कुछ नहीं गा। संत मत दे विच सानू भजन का चोर नहीं बनाने के उत्ते जोर दिता जाता। संत मत दे विच यही कहा जाता है कि मेहनत करो अंदर जाओ सच्चाई नू खुद देखो अखां दे नाल। सतगुरु समुंदर है उहदे अंदर गोता लगाना सेवक का परम धर्म है। क्यों साडा मन धोखा दिंदा है असी भजन के चोर हैं। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ जो जो चोर भजन के प्राणी से दुख सहे आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम गहे कान क्रोध के धक्के खावे लोभ नदी में डूब मरे। कहिंदे जिहड़े भजन नहीं करदे गे हुण मन ने निचला तो बैठना नहीं गा उन्हां दा मन उन्हां नूं भरम च पा देगा काम च फसा देगा क्रोध दे विच फसा देगा। सानू कई दफा लोग हसदे भी है देख बई सत्संग दे विच भी जांदा है और भैड़ा खोटा कर्म भी नहीं छड़दा गा माड़ा कुत्ता खसमे गाली। मैं दसदा हुंदा है कि किस तरह साडे राजस्थान के अंदर महाराज सावन सिंह के नाम लेवां दी लोग प्रतीत करते सन कि यह ब्यास जाता है यह सावन सिंह का शिष्य है यह झूठ नहीं बोलता गा अदालत भी सच मन लेंदी सी। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह के शिष्यों की हालत सी कहावत सी कि कदे झूठ नहीं बोलते गए। महाराज सावन सिंह आम तौर उत्ते सत्संग के अंदर एक शिष्यों के सिखा के काबले की कहानी सुनाते होंगे सके क्योंकि फ्रक्सियर बादशाह ने कसम चुक ली सी कि मैं सिखा का नाम निशान नहीं छड़ूंगा। सिख विपता के मारे जंगलों में रेंदे सन एक काफला फड़िया आ गया उन्होंने अंदर एक बच्चा भी सी जी बच्चे की माता सी उसकी पहुंच वजीर की राणी तक सी। सोचा कि बच्चे नूं छड़ाया जाए उसने वजीर की राणी नूं कहा कि मेरा मासूम बच्चा है अगर उसनूं छड़ाया जाए। उन्हें वजीर नूं कहा वजीर ने बादशाह नूं कहा वह कहने लगा एक ही शर्त है कि वह यह कह दे मैं सिख नहीं गा बस छड़ दिता जाएगा। सुबह माता गई खुशी खुशी गई भाई एक कोई मामूली बात है वह कह देगा। कहने लगे देख बेटा मैं तेरा इंतजाम करता सिफारिश ला दी है तू कह दी मैं सिख नहीं। जब पूछने लगे वो कह लगा गलत गल है मैं सिख है। जलाद नूं कहने लग्या आओ पहला मैनू कतल करो ताकि मेरी मां नूं ज्यादा इंतजार ना करनी पे होर इन तकलीफ ना उठानी पे। इस वास्ते उन्हां दे उत्ते लोग अतवार करदे सी झूठ नहीं बोलदे गे क्यों भाई कमाइयां करदे सी। इसे तरह जो कुछ मैं आप सब नूं दस्या है वो यही चीज है कि बगैर कमाई मैं तुहानूं दस्या सी कि मैनू तां कुछ मिलिया नहीं गुरु नानक नूं भी बगैर कमाई कुछ हासिल नहीं होया सीगा। महाराज सावन सिंह ने किस तरह मेहनत की अगर बगैर कमाई उन्हां नूं मिलदा उन्हां नूं की लोड़ सी मेहनत करन दी हालांकि कुल मालक सन वो क्यों कमाइयां करदे आ दुनिया नूं डेमोस्ट्रेशन देण वास्ते ताकि साडे लोकां नूं ज्ञान हो जावे तकलीफ बगैर कुछ नहीं मिलदा गा मेहनत बगैर कुछ नहीं मिलदा गा। यह गलत ख्याल है साडा जिहड़ा सी कहिंदे आ अंत समय गुरु आवे क्यों बई गुरु ने तुहाथों करजा चुकिया वो आवे तुसीं कुछ ना करो। सोच के देखो क्योंकि संत महात्मा किसी सोसाइटी के उत्ते बोझा बन के नहीं आउंदे गे। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी सेवक दे जिम्मे भी कोई कम लाया हुंदा जिन्ना सेवक दे जिम्मे लाया उन्ना सेवक दा कर्म है कम करे गुरु अपनी ड्यूटी ते कदे भी पिछे नहीं हटदा गा। मैं एक लाभ सिंह सत्संगी की मिसाल दिना हुंदा वो नाम लैके शराब पींदा हुंदा सीगा अंत समय उसका ऑपरेशन होया पेट के अंदर रसौली सी। महाराज सावन सिंह आए वो दस रहा है कि पिछ है महाराज जी
तो सोच के देख लो, कबीर ने लोई की तरफ थोड़ी जी पिट करी सी, की कहती सी, करवट भला ना करवट तेरी, करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। सेवक दे पले की है जब गुरु पिट करके खड़ जावे, अंत समा दसदा सन। मैं होर कई वाकयात देखे है जिन्हां दे विच सेवक नूं परेशान होना पैंदा है। तो मेरा कहण दा भाव इतना ही है कि मैं आप सब नूं कमाई की तरफ इतने दिन प्रेरदा रहा है कि भाई कमाई करो, मन नूं वेला ना छड्डो। अगर असीं तीसरे तिल तों मन नूं थले उतरन की आजादी दे दिंदे हैं, वो थले भटकदा है, असीं अपनी बहुत सारी शक्ति नूं नष्ट कर रहे हुंदे हां। क्योंकि साडा जो घर है, घर का बूहा है, वो तीसरा तिल है। सत्संगी का ख्याल हमेशा तीसरे तिल के उत्ते अकागर होना चाहिए है। अभ्यास नूं बोझा ना समझो, प्रेम प्यार ना करो, हर रोज करो। एक दिन का भजन अभ्यास अगर असीं मुलतवी करते हैं तो कई दिन वध समा दे के महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि 100 काम छड के सत्संग अंदर जाओ, 1000 काम छड के भजन अभ्यास दे विच बैठ जाओ। उन्ना चिकर तुसीं शरीर नूं खुराक ना दिओ जिन्ना चिकर आत्मा नूं खुराक नहीं दे लैंदे। क्योंकि साडी आत्मा नूं जन्मा जन्मात्रा की भुखी है। असीं यह सोचते हैं कि साडा जो शरीर है अगर असीं अन्न ना खादा यह थक जाएगा, यह कम नहीं देवेगा। कदे आत्मा की तरफ भी देखा है कि आत्मा जन्मा जन्मात्रा की कितनी कमजोर हुई बैठी है। इस वास्ते भजन करना है। जो कुछ भी मैं थानू सत्संग रोज दसदा रहा है उस दे उत्ते अमल करना है। क्योंकि संतां महात्मा का दो तिना गलों पर जोर हुंदा है, सत्संग ते नाम ते गुरु नाल प्यार भरोसा। अगर साडा भरोसा प्यार ना होएगा अंदर रस्ता नहीं खुलदा गा। मैं ये भी दस्या सीगा कि असी उस परमात्मा गुरु जो साडे अंदर शब्द रूप होके बैठा है उसनूं असी धोखा नहीं दे सकदे गे। मता ये दिल दे विच ख्याल होवे कि असी अच्छियां गल्लां करन जाणदे हैं। क्योंकि साडी आदत है इधरों चार गल्लां सुनिया उधरों सुनिया। कबीर साहब कहंदे है साखी लियाया बना के इत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जाइए जूठी पत्तल चाट। महाराज सावन सिंह कहंदे लोकां दी कमाईयां दे जिक्र करदे हैं लेकिन कदे आप भी कीती कैसे साहे जद हमना व्याहे। लोकां दी शादियां दे गीत गाउंदे आ खुद आपकी शादी नहीं कराउंदे गे। सानू मेहनत करनी चाहीदी है, मेहनत दे चोर भुल के भी ना बनो। स्वामी जी महाराज कहंदे है अपने जीव की दया पालो, 84 का फेर बचा लो। भजन करना किसी ते आसान नहीं करना, ऐसी अपने आप को दया कर रहे हुने हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि असी मेहनत करनी है, भजन अभ्यास करना है। भजन अभ्यास के अंदर असी तद ही कामयाब होवांगे जे अपने ख्यालां दे उत्ते कंट्रोल करांगे। जिथे प्रेम भजन दे विच लाउणे हैं उत्थे काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो भी असी बचना है। इन्हां तो कद बचदे हैं, मैं दस्या सीगा कि इन्हां दी जो स्थूल गंढ है वह साडे सब दे सी अखां पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है। जिन्ना चिकर साडा मन त्रिकुटी दे विच नहीं पहुंच जांदा, आपदे घर ब्रह्म दे विच नहीं पहुंच जांदा गा, आत्मा इस दे पंजे तो आजाद होके पार ब्रह्म विच नहीं पहुंच जांदी गी, असी छड नहीं सकदे इस बीमारी नूं। मेरे पास कई आदमी आउंदे ओह कसमां खांदे है बाबा जी असी मुड़ के कम नहीं करांगे, लेकिन ओह छड नहीं सके। क्यों नहीं छड सके? कि ओह राज दे विच है। जब तक घर वाला अपनी आई ते नहीं आ जांदा इह कदे भी अंदरों नहीं निकलणगे। जब घर का मालिक जाग पैंदा है, कबीर साहब कहंदे है मुसाफिर जागदे रहना नगर में चोर आते है, जरा सी नींद गफलत में देख झटपट गठड़ी उठाते है। वो कहने लगे थोड़े नगर विच इस देह विच चोर आते है, काम क्रोध लोह मोह हंकार इस सुते नूं उठा लेंदे है, लेंदे है गफलत दे विच फौरन उस तो अपना काम करा के तुरदे हुंदे है। जेल दे पले की पै जांदा पछतावा रह जांदा है भी मैं क्यों बुरियाई की, जाते दस नहीं जाते भी तू गलत है। इस वास्ते आप सानू प्यार दे नाल मैं जो कुछ तुहानू दस्या है उस ते सब प्रेमियां ने अमल करना है, कमाई करनी है,
मैंने बहुत सारे पूछते हैं कि जी सानू 30 साल हो गए नाम लिया, कोई कहना 40 हो गए कि पर्दा खुलन का कोई वक्त हुंदा है। मैं कहना हुंदा नहीं, प्रेमी आत्मा का गुरु को आना इस तरह है जिमें खुश्क बरूद अग दे नेड़े कर दईए, बाकी असी गिले बरूद हैं। एक गवर्नमेंट की सर्विस नहीं, प्रेमी आउंदा है अपना कम बना के डंडी लगता है, बाकी असी सोचते रह जाने हैं। सतगुरु दया करन 24 घंटे ही जीव दे उत्ते तैयार हुंदा है, वह कदे भी अपनी दया करन लग्या ढिल नहीं करता, वक्त नहीं सोचता गा, वह चखड़ मीह तो नहीं डरता गा। मैं दस्या सी कि बूआ बंद होवे, चखड़ वगदा होवे, बारिश पैंदी होवे, तुसीं बेशक खारे समुद्र दे विच बैठे हो, प्रेम ना जद गुरु नूं याद करोगे वह आएगा तुहाडे कोले, तुहाडा प्रेम खिच के लै आएगा उसनूं। इस वास्ते असी जो कुछ भी सुने सत्संग के अंदर सब ने अमल करना है, आपसरी में सब ने प्रेम प्यार बना के रखना है। बाकी जितने भी प्रेमी है जिन्होंने इस कार्यक्रम के हिस्सा लिया है, 10 दिन अपना कीमती वक्त दिता है, असी सब दे धन्नवादी हैं।